तर सुधांशु स्ट्राइकला नौ स्ट्राइकला पार्थ आणि पहिले षटक घेऊन गोलंदाज येते बॉलर बॉलर नेम प्रतीक पहिले षटक घेऊन प्रतीक संघासाठी पहिले वैयक्तिक पहिले षटक घेऊन येतोय टाइम सेट करा स्कोरर अकरा बाजूंना 52 मिनिट पहिला चेंडू ऑन साइडला खेळून काढलेला एक धाव अकरा 32 अकरा 35 पहिला बॉल टाकला गेलेला आहे त्यामुळे 11:35 इज द टाइम दॅट विल स्टार्ट द मॅच जो करणे वाले थे लेकिन ऑलरेडी बिगन विथ 11:35 इज द एग्जैक्ट टाइम सो फिर एक बार गुड मॉर्निंग सुप्रभात वैसे तो अगर देखा जाए अप्रैल और मई में इस तरह की कड़ी धूप होती है ओ इस गेंद को फिर एक बार लेट कट करना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंदबाजी रफ्तार थी टिप्पा गिरने के बाद बेहतरीन बाहर निकलती हुई गेंद बल्लेबाज को थोड़ा सा चेक किया पार्थ को और जब तक कि वहां पर विकेट कीपर के 10 स्थानों में गेंद डॉट राइट मोर द विकेट प्रतीक तैयार स्ट्राइक पर बैट्समैन है पार्थ और यही गैप ढूंढना चाहते थे डीप थर्ड मैन पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद एक रन तो मुकम्मल किया दूसरे रन के दौड़ रहे दो रन पूरे अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छा कॉल दिया था जब लेट गेट खेले थे और डीप थर्ड मैन पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद जब तक कि वहां पर ग्राउंड कवर करे फील करे थ्रो करे दो रन मुकम्मल इन रन संख्या इन दो रनों के साथ टोटल अब 3 लेग स्टंप के बाहर और अंपायर विदा जी का यहां पर फैसला ये वाइड तो रन संख्या अब 4 आपल्या गोरेगाव मधले एक ज्येष्ठ लेजेंड क्रिकेटर किरण राऊत यांच्या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे तर किरणजी राऊत आपलं देखील हार्दिक स्वागत सुस्वागतम ऑन दी अप खेलने गए थे उस गेंद को देखा था पहली गेंद जिस लेन को पढ़ा था लेकिन टप्पा गिरने के बाद विकेट कीपर 10 स्थानों में गेंद प्रसाद है जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे प्रतीक ज्यादा रूम नहीं दे रहे बल्लेबाज को ज्येष्ठ क्रिकेटर गुरेगांव के हमारे सीनियर मोस्ट किरण जी राउत इनका भी हार्दिक स्वागत आर्य भास्कर प्रीमियर लीग आज ग्रैंड फिनाले दिन मुकाबला मेवरिक स्ट्राइकर्स बनाम गुरेगांव लायंस ऑफ कटर और एक अच्छी गेंद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से जो उनका टाइमिंग देखिए जिस अंदाज से शुरुआत हुई थी 11:35 और जिस गति से गेंदबाजी कर रहे हैं अच्छा रफ्तार भी है फिर एक बार बैकफुट पर गए थे लेकिन मिड ऑफ नहीं है मिड ऑन है अंदर तो जब तक ये एक रन मुकम्मल बैकफुट पर जाकर उस गेंद को पुल करने के लिए गए थे एक रन के साथ ओवर की समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल स्कोर अब 5 रन बिना विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते गोरेगांव लायंस इसके पहले मुकाबले में मेवरिक स्ट्राइकर्स टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और मुंबई लीजेंड्स टीम को 114 पर रोका था निर्धारित 15 ओवर में यहां पर भी गोरेगांव लायंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया निश्चित तौर पर 160-170 रन करने की शुरुआत हम एक चाहत रखेंगे यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम अच्छी गेंद नहीं इलेक्शन के बाद निकलती हुई श्रीकांत केदारे है लेकिन पहली गेंद वाइड है रन संख्या 6 सबसे सर्वाधिक किफायती वाली गेंदबाज है वाइड के साथ रन संख्या 6 श्रीकांत शैलेंद्र केदारे
अच्छी तरह से गेंद फिंगर रोल कर रहे हैं और जिस अंदाज से इनकी गेंदबाजी करने का अंदाज हम देख रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स स्पिन है लेकिन एक अच्छी फ्लाइट भी देते हैं और जब ज़रूरत है बल्लेबाज को जब पढ़ते हैं तो रफ्तार के साथ भी अंदर लेकर आते हैं, यही इनकी खूबी है, यही इनकी विशेषता है। फिर एक बार ऑन साइड पर हल्के हाथ से खेला हुआ स्ट्रोक, जब तक कि वहां पर डीप से खिलाड़ी आएंगे, एक रन तो पूरा किया है और दो रन के लिए दौड़ पड़े, दो रन पूरे। जब तक डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी थे, केवल पुश किया था ऑन साइड पर और डीप मिड विकेट के खिलाड़ी फील करे, दो रन मुकम्मल, इन दो रनों के साथ रन संख्या 9। दूसरा ओवर चल रहा है, मुकाबला मेवरिक स्ट्राइकर्स बनाम हम देख रहे हैं गोरेगांव लायंस, जहां पर गोरेगांव लायंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, आमंत्रित किया गेंदबाजी के लिए, लेकिन मेवरिक स्ट्राइकर्स टीम के पास भी एक अच्छा बॉलिंग यूनिट है, बल्लेबाजी अच्छी है और गोरेगांव लायंस भी वही कोशिश कर रहे हैं, 150 तक कोशिश करेंगे। और फिर एक बार उस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, केवल एक रन मुकम्मल, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब दो अंक में पहुंचता हुआ टू डिजिट में 10 रन। शैलेंद्र केदारी स्ट्राइक पर पार्थ, पार्थ और ओपनिंग हम देख रहे हैं पार्थ के साथ और बेहतरीन स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद लेकिन नहीं, मैधनकर इनके पैर से गेंद निकल गई 4 रन के लिए, नसीब का साथ नहीं मिला अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये 4 रन निर्णायक बन रहे हैं। इस तरह से पार्थ और ओपनिंग बल्लेबाज हम देख रहे हैं, रन संख्या 14 रन। ये गेंद, ये टप्पा चाहिए, ये टप्पा आपको मिलना चाहिए, इसीलिए आपको कोशिश करना होगा क्योंकि इसके पहले मैच में वो टप्पा अच्छी तरह से मिला था, थोड़ी जगह से बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश की लेकिन पैर आगे लेकर फ्रंट फुट और पैड के साथ खेलना होगा, लेकिन एक अच्छी गेंद जो डॉट। अब बैकफुट पर गए, फिर एक बार पंच करना चाहते थे लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, ओवर की ये समाप्ति हो चुकी है और दो ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बिना विकेट के नुकसान पर 14 रन। सो आफ्टर 2 ओवर्स हैज बीन कंप्लीटेड फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट 14, गोरेगांव लायंस कैप्टन हैव वन द टॉस, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट इन द प्रीवियस मैच, मेवरिक स्ट्राइकर्स विन द मैच, जिस तरह से उन्होंने उस मैच को जीता था क्वाइट बड़े मार्जिन से था क्योंकि केवल 8-9 गेंदें बची थी और जिस बैटिंग की तारीफ की थी हमने सचिन पटेल जिन्होंने कमाल की वो पारी खेली थी मैन ऑफ द मैच, और अब गेंदबाजी के लिए फिर एक बार वही गेंदबाज प्रतीक, राइट हम ओवर द वीकेंड स्ट्राइक पर रहेंगे सुधांशु, दो ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन। पहली गेंद रफ्तार, अच्छे टिप्पे पर गेंदबाजी करे, गुड लेंथ से बाहर निकाल रहे हैं, यही विशेषता है, उस टिप्पे से बाहर अंदर लेकर आना आवश्यक है, थोड़ा लेट स्विंग क्योंकि शुरुआती 2-3 ओवर में अगर देखा जाए जिस तरह से एक पाटा विकेट ये दोपहर के बाद फ्लैट बनता है तो थोड़ा लेट स्विंग चाहेंगे। ऑन साइड पर खेला हुआ स्ट्रोक, डीप से खिलाड़ी वहां पर आएंगे, एक रन तो पूरा किया, जब तक कि वहां पर मिस फील्डिंग, 2 रन। इस तरह से आपको गेंदबाज जिस तरह की गेंदबाजी करे लेकिन क्षेत्र रक्षक फील्डर इन्हें यहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव में प्रेशर में लेकर आ रहे हैं, गेंदबाज गेंदबाजी करने के बाद बल्लेबाज जिस तरह से स्ट्रोक को अंजाम दे रहे हैं, और एक की जगह पर 2 रन, अच्छा कॉल दिया था इन 2 रनों के साथ, अब रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 16 रन। प्रतीक पहली गेंद डॉट थी और मौका मिलेगा लेकिन नहीं, गैप में है, जब तक कि वहां पर खिलाड़ी आएंगे, गेंद सिमारी का खेल अंदर है या बाहर देखेंगे। इंजुरी हुई वहां पर, थोड़े से खिलाड़ी गिर चुके हैं,
चला लवकर स्पीडअप करा, दोन धावा मिळालेत आताच्या आणि दोन धावांनी दिनेश सर धाव संख्या 18 योगेंद्र छान फटका वाईडी श्रीलंकाला या ठिकाणी चेंडू सीमापार जाणार का, चांगले क्षेत्ररक्षण वन हँडेड क्या बात है मेधनकर अप्रतिम क्षेत्ररक्षण राईट साईडला धावत जाऊन वन हँडेड त्या ठिकाणी पिकअप केला आणि छान पिकअप करून थ्रो केलेला आहे आतापर्यंत दोन धाव धाव संख्या 20 दोघांचं अंडरस्टँडिंग छान पाहायला मिळते सुधांशु आणि पार्थ गोरेगाव लायन्स या संघाने टॉस जिंकून बॅटिंग का घेतली आपण हे दाखवत आहेत मग सुरुवातीचं हे 30 षटक आपण पाहतोय आता मात्र शेवटच्या क्षणाला बॅटचा फेस गोलला पाहिलं बॅकवर्ड पॉइंटला विशाल आहे धाव संख्या 20 वर स्थिरावलेली आपण धाव संख्या पाहतो गोरेगाव लायन्स विरुद्ध मेव्हरिक स्ट्रायकर्स आर्य भास्कर प्रीमियर लीग आज या स्पर्धेचा शेवटचा अंतिम दिवस ग्रँड फिनाले डे हवेमध्ये उंच खेळतायत मेधनकर त्या ठिकाणी समन इज अंडर इट गॉन इट्स अ लॉलीपॉप कॅच दॅट शुड बी टेकन गॉन आणि सुधांशु बॅक टू द पॅवल इन द फर्स्ट विकेट लॉस्ट स्कोर ऑफ 20 तर 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 20 एक गडी बाद 20 रन्स आफ्टर 3 ओव्हर्स लॉस्ट ऑफ 1 विकेट सुधांशु बॅक टू द पॅवल इन नवीन फलंदाज अनिकेत खूप छान बॅटिंग करत होते सुधांशु ज्या प्रकारचं टायमिंग मात्र वरती बॉल खूप बरोबर टायमिंग नाही झाला बॅटच्या बरोबर मधोमध लागला नाही आणि नक्कीच चेंडूवरती आपण चढताना पाहिलं लॉंगॉनला एक छान झेड मेधनकर आपण आता पाहिलं तर अंडर 14 अंडर 16 हॅरी शिल्ड गाईल शिल्डसाठी योगदान दिनेश राड सरांच्या माध्यमातून देखील त्यांना प्रशिक्षण मिळालेलं आहे जे रोहित शर्माचे कोच आहेत SBI या स्कूलकडून खेळताना आणि त्याने झेल घेतलेला आहे अरे भास्कर प्रीमियर लीगमध्ये आपण वेगवेगळ्या अशा खेळाडूंना पाहतोय गोलंदाजी करणारी शैलेंद्र केदारे आपल्या वैयक्तिक दुसऱ्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन स्ट्राईकला आहे बॅट्समन पार्थ नॉन स्ट्राईकला अनिकेत फॉरवर्ड डिफेन्स खूप छान आपल्याला पाहायला मिळतं आहे बॅट पॅट पुढे घेऊन इट्स अ कॉपी बुक डिफेन्स पाहायला मिळालं प्रतीक वरती आहे थोडंसं एक स्लीप आहे आता मात्र छान ड्राईव्ह लॉंग ऑफला खेळाडू आहे हँड आय कोऑर्डिनेशन छान असलं आणि आपल्याला छान फुटवर्क पाहायला मिळालं तर कसे स्ट्रोक तयार होतात याचं उत्तम उदाहरण या ठिकाणी पार्थ दाखवतोय टेक्निकली साऊंड आहे मेरिट ऑफ द बॉल पर खेल रहे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं ले रहे जब उनके पाले में गेंद मिलते तो बड़े हिट लगा रहे और अब बल्लेबाजी के लिए अनिकेत हालांकि दोपहर के बाद यहां पर हवा चलती है और राइट हैंड बैट्समैन को हमेशा यहां पर एडवांटेज मिलता है हमें पता है ओलंपिया कप यहां पर हुआ था आदरणीय सम्माननीय अमोल भैया कीर्तिकर साहब के माध्यम से और एक्सिस बैंक बनाम अजंता फार्मा फाइनल हुई थी 142 बनाने थे केवल 2020 में 13 ओवर में मैच को फिनिश किया था अजंता फार्मा के खिलाड़ियों ने और ऑन साइड पर खेलना चाहते लेकिन देखा पहली गेंद को टिप्पा गिरने के बाद बैक टू द बॉलर ड्राइव और उस समय भी बेहतरीन बैटिंग की थी दो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने एक ओवर में 5 गेंदों में 5 चौके लगाए थे और एक खिलाड़ी ऐसा था जिन्होंने 4 गेंदों में 4 छक्के लगाए थे एक ही ओवर में तो दो ओवर में ही उन्होंने वो रन बनाए थे 44 अच्छी गेंद टिप्पा गिरने के बाद बाहर निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में बहुत ही नज़दीक खिलाड़ी खड़े हैं विकेट कीपर एक स्लिप के साथ फ्लाइंग स्लिप एक डीप थर्ड मैन लिया है बैकवर्ड पॉइंट एक शॉर्ट्स कवर पॉइंट है कैचिंग पोजीशन ओ खेलना चाहते थे फंसाया था पूरी तरह से बल्लेबाज को एंड शैलेंद्र केदारे राइट ऑन अ ट्रैक नाउ What a delivery, that was beauty, magnificent. The batsman just wanted to play toward the onside but didn't get proper connection.
at the end of that particular delivery bowled by Shailendra. Once again, next delivery to Aniket. A good stroke along with the carpet toward the long gone, and batsman open his account with that single. Score moves to 22. चांगले षटक, कारण पहिल्या तीन ओव्हरमध्ये 20 होते, या ओव्हरमध्ये दोनच धावा आलेले आहेत आणि दोन धावा खर्च करत असताना एक छान असं योगदान आपल्या गोलंदाजीमध्ये देतो. इकॉनॉमिकली देखील आवश्यक आहे. छान अशी गोलंदाजी, चार ओव्हरमध्ये धावसंख्या 22. चला स्पीडअप करा, वेळ घेऊ नका. आम्हाला कल्पना आहे दुपारी 1:30-2 नंतर देखील जास्त कडक ऊन असणार आहे, त्यामुळे ग्लुकॉन डी, इलेक्ट्रॉल पावडर, पाणी तयार ठेवा आपल्या खेळाडूंसाठी. जर कोणाला असंही वाटत असेल, अनइझीनेस वाटत असेल, गिडीनेस वाटत असेल, जस्ट कॉल युअर एक्स्ट्रा प्लेअर. कंपायरना सांगा तुम्ही, याची व्यवस्था आपण करू लवकर. त्यामुळे थोडंसं आपण स्पीडअप करणार आहोत, कारण आपल्याला अजूनही दोन मॅचेस खेळवायचे आहेत. राईट डिस्ट्रीब्युशन आणि इतर सर्व गोष्टी किमान 6:30 अगोदर आपल्याला कम्प्लीट करायचं आहे शेड्यूल आजचं. 5:30-5:45 गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. आता मात्र येतोय जलद गतीने गोलंदाज, ज्याचं नाव आहे गोलंदाज येतोय चेतन. डावखुरा बॅट्समन अनिकेत साडी, चेतन पहिला चेंडू ठिकाणी गॅप मध्ये. डीप थर्डमॅनला खेळाडू आहे, जोपर्यंत खेळाडू फील्ड करतोय आणि थ्रो करेपर्यंत एक धाव. या एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते, धावसंख्या 2 पोचते 23-23. 5 व षटक मार्गस्थ, पहिल्या 2-2 ओव्हरचा स्पेल आपण कम्प्लीट होताना पाहिला प्रतीक आणि शैलेंद्र केदारे. आणि आता थोडासा चेंज आपण बॉलिंगमध्ये पाहत आहोत. चेतन गोलंदाजी करत आहे, स्ट्राईकला बॅट्समन पार्थ अप्रतिम बॅटिंग करत आहे. ओ लेग स्टंप से पूरी तरह से बाहर और चकमा देती हुई गेंद बल्लेबाज को तो नहीं, लेकिन विकेट कीपर लेग स्टंप के बाहर वाइड और ये चौका 4 रन. तो 5 रन आएंगे अब. इन 5 रनों के साथ जिस बाउंड्री की तलाश कर रहे थे एक्स्ट्रा के प्रति और एक वाइड का और 4, तो कुल मिलाकर 5 रन आएंगे. और रन संख्या टोटल अब हम देख रहे हैं जहां पर 28-28 एक विकेट के नुकसान पर. फिर एक बार लेग ग्लास, व्हाट अ शॉट, कितना बेहतरीन स्ट्रोक था. केवल पेस का इस्तेमाल किया गेंदबाज के, और गेंद लेग ग्लास के माध्यम से हल्का टच किया था, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन. रन संख्या 32. जिस ओवर की जरूरत थी गोरेगांव लायंस के लिए, वही ओवर यहां पर मिल रहा है. और यही एक कोशिश प्रयास, क्योंकि मैंने कहा था कि जिस तरह की बैटिंग पार्थ कर रहे हैं, टेक्निकली साउंड नजर आ रहे हैं, मेरिट ऑफ द बॉल पर खेल रहे हैं, जिस तरह से टप्पा है आगे की वाली गेंद को आगे खेल रहे हैं. ओ थोड़ी बाहर की गेंद को छेड़खानी करने की कोशिश, वो गेंद बुलाती है मगर जाने का नहीं, दूर है. तो दूर से शरीर से बहुत ही दूर खेले, हालांकि बाहर जाने वाली गेंद थी और छेड़खानी करने की कोशिश. और एक गेंद कमबैक किया है गेंदबाज ने. व्हाट अ शॉट, थोड़ी ऑस्टम के बाहर मिली रूम बनाया और गेंद उसके ट्राई के माध्यम से यह आता हुआ चौका 4 रन. इसके पहले वाली गेंद थोड़ी बाहर थी और जहां से वही ड्राइव चेक कर रहे थे, लेकिन अब गेंद के रीच तक पहुंचे थे और एक अच्छा आगे जाकर उस गेंद को बीचों बीच लिया और टाइमिंग के बलबूते पर गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन. इस ओवर में अब तक वाइड के माध्यम से बाउंड्री एक आई तो 5 रन, वो उसके बाद 2 चौवे आए हैं. रन संख्या टोटल 36. फिर एक बार गैप को ढूंढा है, क्या बात है, अनदर डेलिकेट टच. ऑल द क्रेडिट टू द बैट्समैन, पार्थ इज ऑन फायर. बैक टू बैक 2 consecutive बाउंड्रीज हैज बीन प्लेन. Use the pace of the baller and bisecting backward point and shot third man for 4 runs. Another welcome boundary, score moves to 40. And that's kind of study they are looking for. Partha and Gurugav Lions against Maverick Strikers in the 4th, 5th over. 5th over chal raha hai.
वन ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाट अ शॉट आउटसाइड द ऑफ स्टंप। जिस तरह से शुरुआती में 96 में हमने देखा था जब लगातार कमाल की शुरुआत की थी प्रिंस ऑफ कलकत्ता, सौरव गांगुली थोड़ी बाहर मिलती थी, हर एक गेंद को कवर पर या पॉइंट पर चौवे निकाल देते, उसी अंदाज से हम देख रहे हैं। और रन संख्या अब टोटल 40 पांच ओवर के समाप्ति के बाद, पहले चार ओवर में अगर देखा जाए तो जहां पर रन संख्या 22 थी और उसके बाद इस ओवर में जिस तरह से रन आए हैं 18 रन। अब गेंदबाजी के लिए समीर मसूरकर, समीरला छान गोलंदाजी करावी लागेल कारण या अगोदरच्या ओवर मध्ये ज्या प्रकारची बॅटिंग आपला क्लास दाखवतोय बॅट्समन पार्थ, मगाशीच म्हटलं मी की तंत्रशास्त्र आपण पाहतोय ज्या पद्धतीने तंत्रशुद्ध फलंदाजी करतोय, बॉलचा टप्पा चांगला ओळखतोय आणि बॉलच्या मेरिटवर खेळतोय, एक चांगलं बेसिक क्रिकेट ज्याला आपण म्हणतो, फ्रंट फूट बॅकफूटला जाऊन जे पंच चांगले स्लाइस पाहायला मिळाले, चांगले ड्राईव्ह पाहायला मिळाले स्क्वेअर ड्राईव्ह, आणि त्या अनुषंगाने आपल्या धाव संख्येला आकार देताना 40 पाच ओवर नंतर धाव संख्या 40 8 धावगती सरासरी आपण 8.0 ची सरासरी पाहतोय। समीर मसूरकर सज्ज होते पंचांच्या उजव्या बाजूने राऊंड अप राईट आर्म राऊंड अप विकेट बघूया, पहिला चेंडू जास्त शॉट खेळाडू त्या ठिकाणी येतोय मात्र तिथून चकून जातो चेंडू, वन बाउन्स हा येतोय खणखणी दणदणी चौकार नाही आहे, बघूया काय होतंय या ठिकाणी पंच काहीतरी सांगतायत की एक्झॅक्टली वेअर द बॉल स्टॉप और आयदर क्रॉस द बाउंड्री रोप जस्ट वेट देअर अंटी अनलेस गिविंग द एक्झॅक्ट डिसिजन फ्रॉम द आउटसाइड विल जस्ट वेट देअर। अमित इट्स अ बाउंड्री, अमित वाघमारे एक कमाल के लेदर क्रिकेटर हैं, फिर से जिमखाना जहाँ से एक अच्छा कोचिंग भी उन्होंने बच्चों को की है अंडर 10 अंडर 12 अंडर 16 के। प्रसाद पवार जो मुंबई के लिए आज खेलते हैं बहुत ही करीब से उनके साथ ये क्रिकेटर और आज अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं अमित वाघमारे, इन्हें हम देख रहे हैं। फिर एक बार जगह बनाई ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को डीप थर्डमैन पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, रन संख्या टोटल स्कोर 45 रन और एक अच्छी पार्टनरशिप लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मैदान पर हम देख रहे हैं। एक तरफ पार्थ टेक्निकली साउंड है, दूसरी तरफ उतने ही आक्रामक और अच्छा डिफेंस दिखा रहे हैं। नौ स्ट्राइकर बैट्समैन हम देख रहे हैं जो बल्लेबाज, अब नए बल्लेबाज आए हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज अनिकेत नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज है, एक अच्छी पार्टनरशिप हम देख रहे हैं। लेग स्टंप के बाहर पिचिंग अंपायर का इशारा, इट्स अ वाइड सो अनदर वाइड एंड स्कोर मूव्स टू 46। This is the sixth tour is in progress. We are enjoying Arya Bhaskar Premier League, the grand finale day. The match is going on between Maverick Strikers versus Goregaon Lions. Thanks a lot to Prajeji and Sandeep Ji to being a part of this tournament. Thanks a lot. Given what a shot! What an extraordinary shot! Once again by Parth. Outside the off stump, the ball given some room and the batsman just placed over the deep cover. Boundary for 4 runs, so brings up I think 50. The team Goregaon Lions is going well, and what a batting is showing by batsman Parth here as an opener batter. Oh, once again, what a shot! There is no clue what's in the hands of the baller and the any player there. Maverick Strikers. And Parth is playing a genuine knock here for Goregaon Lions.
in the last few deliveries, whatever he faced, absolutely wonderful batting. Nice to watch him while you are playing. जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं, इन्हें देखना एक आंखों के लिए निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगता है. और वही बल्लेबाजी कर रहे हैं समीर, फील्डिंग में थोड़ा तब्दीली कर रहे हैं, बदल लाभ लेकर आ रहे हैं. जो बदलाव हम देख रहे, द चेंज हैज बीन डन. डीप स्क्वायर लेग कम्स इनटू शॉर्ट स्क्वायर लेग. ओह व्हाट अ शॉट, अनदर ब्यूटीफुल स्ट्रोक. ईच एंड एवरी डिलीवरी व्हाट एवर ही फेस्ड बाय बैट्समैन, मिडल ऑफ द बैट. And what a sound has been created by each and every stroke he played by Parth. And score moves to 55. Lost of one wicket in the sixth over. In the sixth over. 55. Lost of one wicket. Here we go. From the film city end. Samir Masurkar. Next delivery to left hand batsman Aniket. Sushant Patil the Kutia Steel. सुशांत पाटील कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या. ओ ही वॉन्ट टू इम्प्रोवाइज दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रोक. इट्स टिपिकल लाईक अ सूर्यकुमार यादव, नॉट एक्झॅक्टली द सुपला, बट सुपला नाही आहे. एक अलग अंदाज अंपायर का इशारा आहे वाईड. इस वाईड के साथ रन संख्या, स्कोर योगेंद्र 56. सुशांत पाटील आपणास विनंती राहील, आपण लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं. पुढचा चेंडू आणि पॉइंटचा खेळाडू आहे, मिस फिल्डिंग होते असं वाटतच नाही. मगाशीच मेवरिक स्ट्रायकर्स हीच टीम आहे, कारण मगाशी घेताना आपण मेवरिक स्ट्रायकर्स या संघाला पूर्णतः पाहिलेलं, ज्या प्रकारचं त्यांचं योगदान. आता मात्र षटक क्रमांक 6 समाप्त होत आहे आणि 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 57, तो 6 ओवर के समाप्ती के बाद 57 रन एक विकेट के नुकसान पर. अच्छी साझेदारी पनप रही है दोनों के बीच. बढ़ रहा था टेंशन, बढ़ना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन बनाने के लिए दोनों खिलाड़ी तैयार है. एक तरफ अनिकेत बाहियात के बल्लेबाज और एक तरफ राइट हैंड बल्लेबाज पार्थ, जो कमाल की पारी खेल रहे हैं. अब पार्थ की अगर बैटिंग व्यक्तिगत अगर स्कोर देखा जाए तो योगेंद्र मुझे बता रहे हैं पार्थ अपने व्यक्तिगत 35 पर खेल रहे हैं, 35 पर. खिलाड़ियों के लिए वहां पर पानी अगर चाहिए तो निश्चित तौर पर लेकर जाए, ग्लूकॉन डी मिलाकर या इलेक्ट्रोल पाउडर का सेवन कीजिए थोड़ी बॉडी को चार्ज करने के लिए. कड़ी धूप है तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है हमें. तर गोलंदाजी करण्यासाठी आता येते रोहन. रोहन पवार गेंदबाजी के लिए तैयार. कंपल्सरी दो मैच तो आपको अपने खिलाड़ियों के जो स्क्वाड में है तो खिलाना ही है. रोहन पवार अब गेंदबाजी के लिए. शॉर्ट गेंद, आधे अधूरे मन से खेला हुआ स्ट्रोक, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था जिस तरह से अनिकेत ने उस गेंद को खेले थे, क्योंकि जो बॉटम हैंड इस्तेमाल नहीं किया था, केवल गेंद थोड़ी ज्यादा शॉर्ट थी. अगर पूरा टाइम लेकर खेलते तो हमारे कॉमेंट्री बॉक्स के ऊपर से एक गगनचुंबी सिक्सर नजर आता था. लेकिन एक रन, मुकम्मल रन संख्या इस एक रन के साथ 58. 58-1 सातवां ओवर चल रहा है. चलो जल्दी स्पीड अप कीजिए, थोड़ा समय ज़्यादा हुआ है. वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट एज फार एज द सेवेंथ ओवर इज कंसर्न. 5 to 8 मिनट लेट, 8 मिनट लेट चल रहे हैं. बेहतरीन स्ट्रोक कवर पर, कमाल के खिलाड़ी है. इसी बात का मैंने जिक्र किया था जब 96 में जब एक अलग शुरुआत की थी, सौरव गांगुली सर ने लॉर्ड्स पर वो लगातार दो शतक जड़ दिए थे और टूर्नामेंट में कमाल की शुरुआत. उसके बाद हमेशा हमने कवर पॉइंट पर कमाल की बल्लेबाजी देखी थी. उसके बाद जेफरी बॉयकॉट, जिन्होंने नाम दिया था प्रिंस ऑफ कोलकाता, लेकिन यहां पर भी पॉइंट कवर पर कमाल की बैटिंग कर रहे हैं जो खिलाड़ी है प्रिंस ऑफ गोरेगांव लायंस साइंस. ओ पुल करने के लिए गए, लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा. ये आता हुआ वाइड, लेकिन विकेट कीपर बहुत ही करीब खड़े हैं. रफ्तार वाली गेंद थी रोहन पवार की, शायद रीस्ट पर लगी हुई. पानी लेकर जाए, रैली स्प्रे लेकर जाए अंदर, जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जाए. पांच के बाद अब स्वप्निल, सॉरी स्वप्निल ने अनिकेत बैटिंग कर रहे हैं और पूल करने के लिए गए थे, क्योंकि रीस्ट पर लगा है तो पानी भी साथ में लेकर जाओ एक बोतल, ताकि थोड़ा पानी पीकर फिर थोड़ा फ्रेश रहेंगे. टूर्नामेंट के लिए अविनाश, अमित वाघमारे, प्रशांत केदार,
ये तीनों अंपायर को हम देख रहे हैं लेदर क्रिकेट का मुकाबला, और लेदर क्रिकेट जब जब हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर तकनीकी तौर पर बहुत सारा अच्छा क्रिकेट, जिस तरह से जसबीर जी जस्सी ऐसा कोई नहीं, जसबीर पाजी ने यहाँ पर बता दिया है, जसबीर जी पंकु सर, रमेश नार्वेकर सर, हमारे द्रोणाचार्य जी ने हम कहते हैं, जिनकी उपस्थिति हमारे प्रजेश जी और संदीप जी इस टूर्नामेंट को बहुत ही सफल बनाने के लिए, हमारे वेल विशर्स सपोर्टर्स, थैंक्स अ लॉट टू देम ऑल्सो, प्रजेश सर एज वेल एज संदीप सर, देयर हैज गिवन ट्रेमेंडस सपोर्ट फॉर दिस टूर्नामेंट एंड ऑल द अदर, स्पेशल थैंक्स टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल गजानन कीर्तिकर सर, ऑल द मैनेजमेंट टीम ऑफ भास्कर प्रीमियर लीग बिहाइंड टीम, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड जॉब. ये भी गो रोहन पवार, oh it's a juicy half volley on the leg stump and just placed over the deep square leg. Kiran is there and the batsman comfortable with one. Score moves to 61. Seventh over is in progress. Rohan Pawan, if you have the players in your squad, you must shot. What another improvisation execution by the batsman. It's bisecting the players toward the backward point. Another boundary for Parth and another boundary for Goregaon Lions. And score moves to 65. Aray, gain off stump ki thodi bhi bahar milti hai. Kamal ki batting kar rahe. Lajawab. Kabile tarif. Batsman ka naam hai Parth. Aur Parth to hai, to bahut kuch milega hi aapko. Naam hi Parth hai. Oh, what a shot. Another cracking drive toward the cover. Ek run to pura kiya lekin jab tak ki Aniket wahan par ab pahunch rahe hain. Ek run ke sath run sankhya score 66. Over number ye 7th over chal raha hai. Thoda sa hum log 8 minute late chal rahe hain. May kindly request the team coach, team manager, team captain as well as the umpires, aap bhi thoda push kijiye wahan par. रोहन पवार लेग स्टंप के बाहर, खराब गेंद, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके, थोड़ा कंट्रोल करना होगा. वाइड का इशारा और एक रन के साथ रन संख्या 67 इन द सेवेंथ ओवर फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट. गोरेगांव लायंस हैव वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट. द गुड गोइंग द पार्टनरशिप हैज बीन बिल्डिंग बोथ द बैट्समैन अनिकेत एज वेल एज पार्थ, एंड पार्थ हैज प्लेड a gin and knock here for the team. Goregaon Lions, Rohan Pawar just lose the length, line and lane outside the leg stump. Umpire given wide. Rohan Pawar round the wicket. Oh, what a shot! That the beautiful stroke out of the park. Full toss over the long on for big one. Another mighty blow. Bahut hi behtareen stroke yahan par. Stand and deliver over the long on. Run sankhya score. योगेंद्र टोटल स्कोर 73 रन 7 ओवर के समाप्ति के बाद. 10 दशमलव अगर देखा जाए तो 10.3 इज द एग्जैक्टली रन रेट दे आर लुकिंग फॉर अगर देखा जाए तो. और अब 10.3 का औसत 11-12 तक इस तरह से लेकर जाए. मैंने कहा था 150 कि यहां पर यह कोशिश प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आएगा अगर इसी तरह से बैटिंग करेंगे. और इफ अनदर 3-4 ओवर्स इफ पार्थ प्ले देन इट विल बी अराउंड 140-150 मार्क फॉर गोरेगांव लायंस. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी दे आर लुकिंग फॉर अगेंस्ट द बॉलिंग अटैक ऑफ मेवरिक स्ट्राइकर्स, बिकॉज पार्थ स्टील देयर हु प्लेड अ जेन्युइन नॉक फॉर गोरेगांव लायंस. द चेंज हैज बीन डन इन द बॉलिंग एंड फ्रॉम द फिल्म सिटी एंड सचिन सुनील, गेंदबाजी के लिए सुनील. ओ बैकफुट पर गए, इनके पास पुल भी है तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ गेंदों में
हम देखेंगे किस तरह से अपने पारी को यहां पर आकर लेकर आगे लेकर जाएंगे। महेश जी पटेल इनका भी हार्दिक स्वागत, आज ये भी यहां पर उपस्थित है। पूरी तरह से क्रिकेट का एक अलग माहौल यहां पर बनता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल 74 आज 23 तारीख कल 24 अप्रैल सचिन तेंदुलकर सर का 50वां जन्मदिन, एक अलग कल का माहौल रहेगा मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में, पूरे विश्व में, क्रिकेट विश्व में एक अलग अंदाज है उनका, एक स्पोर्ट्स आइकन के तौर पर सभी खिलाड़ी देखते हैं उन्हें। और बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच करना चाहते हैं, लेकिन जिस अंदाज से यहाँ पर खेले हैं थोड़े से डबल माइंड हुए थे बॉल को गैदर करने के लिए, नी पर बॉल लगी है। चलो जल्दी जाइए रेलिस पे लेकर जाए, पानी लेकर जाए अंदर। और अंपायर भी वहां पर अमित वाघमारे और अविनाश जी को भी और प्रशांत केदार जी से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर प्लेयर को ज्यादा इंजरी ऐसे लग रही है आपको तो सब्स्टिट्यूट लेकर जल्द से जल्द मैच शुरू करें स्पीड अप, ताकि जो टाइम कंज्यूम हमें करना है, क्योंकि जिस तरह की गेंद को पकड़ने के लिए गए थे कैच नहीं था, केवल ड्राइव किया था, लेकिन अनइवन बाउंस वहां पर हुआ और जब तक कि वो फील्ड करने के लिए गए यहां पर थोड़ी इंजरी हो चुकी है। मुंबई लीजेंड्स बनाम ये मुकाबला हम देख रहे हैं जो मेवरिक स्ट्राइकर्स का हुआ था, वहां पर सचिन पटेल जिन्होंने अपना दमखम दिखाया था, और उसके बाद अब गोरेगांव लायंस और मेवरिक स्ट्राइकर्स, जहां पर 8वां ओवर शुरू हो चुका है। पर 8वें ओवर में जिस तरह की रन संख्या यहां पर बन रही है, ये देखिए अंपायर बता रहे हैं कि बैट्समैन खिलाड़ी अगर ज़्यादा इंजर्ड नजर आ रहा है, सब्स्टिट्यूट आइए अंदर, सब्स्टिट्यूट आइए, चलो जल्दी। मैं काइंडली रिक्वेस्ट द कैप्टन एंड द एक्स्ट्रा प्लेयर ऑफ दिस टीम स्क्वाड, प्लीज कॉल योर एक्स्ट्रा प्लेयर सो दैट वी कैन स्टार्ट द प्रोसीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। मुकुंद इज देयर, आई थिंक मुकुंद इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लेयर हु इंजर्ड देयर, स्वप्निल सावंत। मुकुंद जी ने बहुत बढ़िया बैटिंग की थी, जिस तरह की उनके बैटिंग करने की आज भी वही ताकत क्षमता। अरे भास्कर प्रीमियर लीग में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टूर्नामेंट कॉरपोरेट के हमने कवर किए हैं, हमारे आदरणीय हरीश पंड्या सर, निषाद कोरा सर, मोंटी सर, इनके माध्यम से 2015-16 2012-13 में भी यहाँ पर जिस तरह के ओलंपिया कॉरपोरेट क्रिकेट जहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी टीमें खेलती थी, और T20 के मुकाबले और जहाँ पर एक बेहतरीन एक पूरा महीना वो चलती थी टूर्नामेंट। ओ खेलना चाहते थे, देखे पहले ही थोड़ा आगे स्टांस लेकर खड़े हैं, जिस तरह से मैथ्यू हेडन और रॉबिन उत्तप्पा खड़े रहते हैं, और जब अंदर आपको पहचानना है गेंद की लाइन लेंथ को पहचानना है, तो बहुत बार हम देख रहे जब शुरुआती दौर में जब फास्टर गेंदबाज के लिए सचिन तेंदुलकर सर भी थोड़ा क्रिस के आगे खड़े रहते थे ताकि वो लेन को पिक कर पाए। और थोड़ा अलग अंदाज हम पार्थ का भी देख रहे हैं, पार्थ जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, मेरिट ऑफ द बॉल खेल रहे हैं, और तकनीकी तौर पर जिस स्टांस उनका हमने देखा थोड़ा आगे थे ताकि लेन को अच्छी तरह से पिक करके मिडल कर सके। अब स्ट्राइक पर अनिकेत, गेंदबाजी के लिए फिर एक बार सुनील, राउंड द विकेट। ओ यहां पर मौका, लेकिन नहीं, खिलाड़ी नहीं थे। फिर एक बार यह गेंद जब तक कि डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी है, क्योंकि शॉर्ट थर्ड मैन पर मुकुंद जी है, तो एक खिलाड़ी डीप पर लिया है, पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, सर्कल के अंदर शॉर्ट फाइन ले गए, एक मिडॉन है सर्कल के अंदर विशाल, एक बेहतरीन खिलाड़ी ऑलराउंडर डीप पॉइंट पर हम देख रहे किरण है। पार्थ तैयार अगली गेंद, ओ ये गेंद थी, ये गेंद थी, टप्पा पकड़ना है गुड लेंथ से, थोड़ी सी यहाँ पर राइज होती हुई गेंद, और भली बाती जानते हैं, हालांकि पार्थ को पता है जिस तरह से आगे थोड़ा स्टांस लेकर खड़े, अलग स्टांस है उनका गेंदबाजी करने का। रन संख्या टोटल स्कोर हम देख रहे 77, शुभमन गिल का लकी नंबर स्कोर बोर्ड पर। और फिर एक बार स्टीयर किया गेंद से मार के बाहर, चार रन,
मिलेंगे रन चार तो बेड़ा होगा पार, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रन, दंदनाता सनसनाता चौवा, रन संख्या 81, 77 रन संख्या थी जो शुभमन गिल का लकी नंबर था, लेकिन अब 81 आठ ओवर के समाप्ति के बाद लगातार 10 रन प्रति ओवर से यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और केवल ऐसे नहीं कि अजीबोगरीब स्ट्रोक खेल रहे हैं, जो क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेल रहे हैं, स्ट्राइक अच्छा कर रहे हैं, टाइमिंग अच्छा कर रहे हैं और उस टाइमिंग के बलबूते पर स्ट्रोक को अंजाम दे रहे हैं। अब इसकी पहली वाली गेंद जब पार्थ ने खेली थी तो इस्तेमाल किया था पूरा पेस गेंदबाज के, द यूजिंग द पेस एंड जस्ट स्टीइंग स्टीयर टुवर्ड डीप थर्ड मैन फॉर अनदर बाउंड्री। सो 81 रन रीच द स्कोर एज पर एज गोरेगांव लायंस इज कंसर्न इन द 10th ओवर, 8 ओवर के बाद ना, 8 ओवर के बाद ये 81 10 रन प्रति ओवर के ऊपर अब औसत चलता हुआ, और इसी तरह से जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये रन संख्या हम देख सकते हैं एक 150 करीब जा सकते हैं, लेकिन वही सोच विचार के साथ जाएंगे 150-160, बिकॉज वट एवर द क्रिकेट जस्ट लास्ट 3 ओवर्स दे प्लेड बाय बैट्समैन अनिकेत एंड पार्थ इज गुड गेम ऑफ क्रिकेट। विशाल ऑफ स्टंप के बाहर, पहली गेंद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर थी और इस वाइड के साथ अब रन संख्या 82-82। और मौका है लेकिन नहीं, गैप में है, जब तक कि वहां पर खिलाड़ी जाएंगे, गेंद दिमाग के बाहर, चार रन, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला था, पूरी तरह से बॉटम एंड का इस्तेमाल किया टाइमिंग के बलबूते पर, और एक बेहतरीन स्ट्रोक गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया, शानदार चौका, चार रन, रन संख्या अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 85 रन 90 ओवर में। अब 87 रन बने हैं क्योंकि 81 के बाद एक वाइड आया था 82, उसके बाद चौका जड़ दिया था 86 और अब एक रन 87। ओवर नंबर 9 चल रहा है, विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक पर अब बल्लेबाज पार्थ, एक शॉट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट शॉट, फाइन लेग, डीप स्क्वेयर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, मिड ऑफ, अच्छा डिफेंस, बैक टू द बॉलर ड्राइव, अच्छी गेंदों को सम्मान करना है और खराब गेंद पर प्रहार करना है, डीप पॉइंट और डीप कवर पर एक खिलाड़ी है, लेट्स सी। ओ ये ऐसी गेंद, देखिए अब तक जितनी गेंदें खेली हमारे योगेंद्र हमें बताएंगे पार्थ ने कितनी गेंदें खेली है, ये दो ऐसी गेंदें, अब की गेंद और उसके पहले वाली जो दूर की गेंद को उन्होंने छेड़खानी की थी, 20 में से दो गेंदें खराब खेले अंत्यता, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं ये देखिए, यही इनका मनपसंद इलाका है, कोई मौका नहीं, चार रन, जस्ट टहलती हुई बलकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, ये लगा चौका और इसी के साथ यहां पर बल्लेबाज अपनी बेहतरीन बैटिंग कर रहे, 5-46 रन पर खेल रहे हैं, नॉट आउट ऑन 46 प्रशांत केदार एंड जसबीर मंकुश सर, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग गुड गेम ऑफ क्रिकेट टुवर्ड द वाइडिश लॉन्ग ऑफ वेयर द प्लेस एब्सोल्युटली वंडरफुल प्लेस टू वॉच फ्रॉम दैट कॉर्नर, जस्ट प्लेस टुवर्ड द शॉर्ट लेग एंड बैट्समैन गोइंग फॉर अनदर सिंगल, द स्कोर मूव्स टू 9th ओवर के बाद टोटल 92, ईच एंड एवरी ओवर दे मस्ट स्कोर जिस तरह से बना रहे हैं 10 रन प्रति ओवर के साथ, और वही मोमेंटम कैरी ऑन कर रहे हैं, नॉट ओनली जस्ट प्लेयर जो है, नॉट ओनली जस्ट प्लेइंग गेम ऑफ गुड क्रिकेट बट दे आर प्लेइंग विथ द मेरिट ऑफ द बॉल, दैट इज द मेन की एज पर एज दिस पार्टनरशिप इज कंसर्न बाय बोथ द बैट्समैन, ऑन द अदर एंड पार्थ हु टेक्निकली साउंड, अनिकेत जस्ट वेटिंग फॉर द शॉर्ट डिलीवरी एंड हैमर टुवर्ड द बैकवर्ड पॉइंट इन द अर्लियर ओवर, हु प्लेड द ब्यूटिफुल स्ट्रोक ओवर द बैकवर्ड पॉइंट, स्कोर 92 आफ्टर 9 ओवर, 9 ओवर के समाप्ति के बाद 92 रन एक विकेट के नुकसान पर। सुनील
फिर एक बार अच्छी तरह से इस गेंद को केवल दिशा दी ऑन साइड पर ऑन ड्राइव। यही विशेषता है, यही क्रिकेट है। अच्छी गेंदों को सम्मान करो। सिंगल इज द लाइफ लाइन इन लिमिटेड ओवर्स एंड ऑल द सिंगल्स डबल्स हैज बीन एडिंग इन द स्कोर। जिस तरह से बन रहे हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर पनपती हुई दोनों के बीच, अनिकेत और पार्थ गेंदबाजी कर रहे हैं। सुनील मेवरिक स्ट्राइकर्स को निश्चित तौर पर विकेट की जरूरत है, यहां पर ब्रेक थ्रू की जरूरत है राउंड विकेट। और फिर एक बार इंडियर खेलने गए थे लेकिन डीप टर्मिनल बाउंड्री के बाहर, चार रन और एक चौका। इन चार रनों के साथ रन संख्या 97 रन इन द 10th ओवर एंड बोथ द बैट्समैन लुकिंग डेंजरस नाउ। ईच एंड एवरी बॉल दे फेस्ड really middle quite well and they got the right place for the placement, who found a gap toward the backward point cover as well as point and deep third man, jahan par jo gap ko bhi dhoond rahe the wahan par bhi gap mil rahe hai aur isse ab confidence badh raha hai, lekin wicket ki talash hai। ek breakthrough agar milega to nishchit taur par comeback karne ka mauka milega Maverick Strikers team ko, kyunki iske baad slog over shuru rahenge क्योंकि होने वाले हैं, क्योंकि 10वां ओवर चल रहा है। रन संख्या 97 राउंड द विकेट, इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था, लेकिन वहां से भी गेंद निकल गई चार रन के लिए। खिलाड़ी वहां पर थे और गलती की यहां पर कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन गलती हुई। जिस तरह का क्रिकेट चल रहा है यहां पर पेशेंस भी आवश्यक है, लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना बजेगा तो बैंड बाजा बजने वाला है। फिर एक बार बैकफुट गए थे और खिलाड़ी वहां पर लेकर गए थे विकेट कीपर, जिन्होंने ऑलरेडी वहां पर एक खिलाड़ी तैयार किया था। अगर टॉपेज लगता है ऊपर खेलने जाएंगे ऑन द राइज या अपिच ड्राइव, तो अगर टॉपेज जाएगा, लेकिन वहां से गेंद चार रन के लिए, तो ब्रिंग्स ऑफ 100 रन संख्या 101 इन द 10th ओवर लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। हियर वी गो नेक्स्ट डिलीवरी। लेग स्टंप के बाहर और एक वाइड अमित वाघमारे स्ट्राइकर एंड, जहां पर अविनाश जी को हम देख रहे हैं, अमित वाघमारे सर हम देख रहे हैं और प्रशांत केदार सर, ये तीनों ऑफिशियल्स फॉर दिस टूर्नामेंट। दिनेश मात्रे सर हमारे साथ यहां पर कॉम्बॉक्स में है, मैनेजमेंट व्यवस्था संभाल रहे हैं। रन संख्या 102 अच्छा ड्राइव। देखिए जिस तरह से टाइमिंग कर रहे हैं, मेरिट ऑफ द बॉल खेल रहे हैं, अच्छा बॉटम एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेंद टिप्पे पर जहां से वहां से खेल रहे हैं और अच्छे प्लेसमेंट के साथ गैप भी ढूंढ रहे हैं। अब पिच ड्राइव था लेकिन खिलाड़ी मैदान कर वहां पर थे, केवल एक रन और रन संख्या 103 अगर देखा जाए तो केवल अभी भी दो गेंदे बाकी इस ओवर की। सुनील और अच्छी फील्डिंग किरण द्वारा, ऑफ सम के थोड़ी बाहर फुलर लेंथ गेंद थी, और यही करना होगा। गेंदबाज के पास अगर गेंद है, आपको ऑफ कटर, आपको लेग कटर या तो फुलर लेंथ या तो वाइड यॉर्कर डाल सकते हो। बल्लेबाज अगर ऑन दी अप खेलने जाएंगे तो टॉप एज शॉर्ट थर्ड मैन जहां पर मुकुंद है, किरण है, वहां पर भी गेंद को आप एक ट्रैप बनाकर गेंदबाजी कर सकते हो। और फिर एक बार ये गैप, देखिए कहां कहां गैप ढूंढ रहे हैं, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी है। ये दौर था जब 96-97 में अर्जुन रंतुंगा चामिंडा जब गेंदबाजी करते थे, तब तेंदुलकर सर के लिए कवर पॉइंट भी रखते थे, बैकवर्ड पॉइंट भी, कवर भी पीछे था और तीनों के बीच से भी वहां पर चौके लगा देते। ओवर की समाप्ति तो 10 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या हम देख रहे हैं 104। देखिए देखते देखते ऐसे नहीं कि 9.5, 9.75, 10, 10.10, 10.20, अब 10.40 औसत तो चल रहा है, लेकिन आने वाले 5 ओवर जो स्लॉग ओवर्स कितने रन बनेंगे, यहां से अब गियर को चेंज करना होगा।
someone has to take the risk here because they already reached 104 after 10 overs. Hardly 5 overs left, and the slogging overs will be start after this over. And Medhankar is the bowler who start the proceeding from the Film City in the last 5 overs. On the other end, look at the Goregaon Lions. The start started with Sudhanshu and Parth. When Sudhanshu back to the pavilion, all the credit goes to the batsman Parth, who in action along with doing good job with Aniket, the left-hand batsman, is also doing good job. And now the good partnership is going on till now after 10th over 104 for the loss of one wicket. अगली गेंद, ओहो ये देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, और अंपायर का इशारा, बाय के द्वारा भी चौका, तो हर जगह पर अलग अलग चौके आ रहे हैं। अब बाय का भी चौका आया, इसके पहले वाइड के साथ भी चौका हमने देखा था, जब 23 के बाद वो 5 आए थे और 28 बने थे, अब 104 के बाद वो 4 आए एक्स्ट्रा के माध्यम से और 108 बने हैं। भी 5 गेंदे बाकी है। मेधनकर एक युवा खिलाड़ी है, दिनेश लॉर्ड सर रोहित शर्मा के कोच, इनके अंडर तैयार हुए खिलाड़ी, बैकफुट पर गए थे इस गेंद को खेलने के लिए। और जब तक कि वहां पर 50 रन पूरे हो चुके पार्थ के, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन, व्हाट अ इनिंग दिस हैज बीन, एब्सोल्युटली वंडरफुल, नो गिवन एनी चांस टू द बॉलर फॉर द अपोनेंट टीम मेवरिक स्ट्राइकर्स, एंड व्हाट अ स्ट्राइक, एब्सोल्युटली वंडरफुल बैटिंग, नॉट आउट ऑन 50, कमाल की बैटिंग पार्थ द्वारा। नाम ही पार्थ है तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ यहां पर हम देखेंगे आने वाले कुछ ओवर्स में, लेकिन मेधनकर इन्हें अब अटैक पर लेकर आए, विकेट की तलाश कर रहे हैं, और इनका अगर 2 ओवर का स्पेल अगर निर्णायक बनेगा तो निश्चित तौर पर जो रन संख्या यहां से ऐसे लग रहा है कि 140-150 काकड़ा पूरा होगा, वहां पर थोड़ी आप दस्तक दे सकते हो, रोक सकते हो। मौका है, खिलाड़ी है, इनके ऊपर से गेंद निकल गई, नहीं ऊपर नहीं नीचे थी, थोड़े आगे खड़े थे, 1 बाउंड चौका, 4 रन, एक जीवनदान, लेकिन ये जीवनदान बहुत ही महंगा, क्योंकि इस तरह से कैचेस छोड़ेंगे ऊपर, बहुत आगे खड़े थे, क्योंकि जो बॉल लैंड हुआ उसके ऊपर से जब अंदर लैंड होकर फिर बाउंस चौका। रन संख्या 113 पर 1, बाहर के बल्लेबाज अनिकेत भी अब यहां पर तैयार है। इधर की अगली गेंद हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ, यह आता हुआ 6 रन, व्हाट अ शॉट, हैंडसमली ड्रिवन ओवर द डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन, मेरी झलक सबसे अलग। ही ऑल्सो ज्वाइन द पार्टी विद पार्थ, दे ऑलरेडी स्कोर्ड मैक्सिमम रन इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, बट यस he getting loose now, he just to open his shoulders with the beautiful stroke over the long on and then shot backward square leg, jahan se thode aage the khela lekin wahan par bhi 6 run aaye, aur ek behtareen stroke cover par khiladi hai, ye bhi apni balle ke sath alag alag is maidan par rangoliya nikal rahe hain, jis tarah se hamare sath yogendra jo scorer ki dastan likh rahe hain, जो बयां कर रहे हैं डिजिटल स्कोरिंग के, ऑनलाइन स्कोरिंग के माध्यम से। दिनेश मात्रे सर भी हमारे साथ जुड़े हुए, रन संख्या टोटल 120। ओ बोल्ड, इस गेंद को पढ़ नहीं पाए थे, ये टप्पा निर्णायक बना था, इसीलिए कहते बाहुबली में कटप्पा और क्रिकेट में टप्पा अगर मिले तो टप्पा मिलेगा तो बहुत कुछ कर सकते, ये टप्पा अब मिला है, थोड़ा देर हो दुरुस्त आया लेकिन विकेट आया। मेधनकर को लेकर है, अनुभवी खिलाड़ी है, ज्यादा कुछ क्रिकेट अगर देखा जाए तो आयु उनकी है 17 साल, स्कूल क्रिकेट खेले हैं एसवीआई गोराई के लिए दिनेश लाड सर के मार्गदर्शन के माध्यम से, और निर्णायक विकेट, लेकिन व्हाट अ इनिंग, एक बार जोरदार तालियां टीम के खिलाड़ी हम देख रहे, गोरेगांव लायंस के पार्थ, कमाल की बैटिंग, व्हाट अ नॉक, एब्सोल्युटली वंडरफुल फ्रॉम द ईच साइड ऑफ दिस ग्राउंड। ज्यादा से ज्यादा रन स्कोरिंग अगर स्टैटिस्टिशियन हमारे बताएंगे हमें वैभव दोंदे,
बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट कवर, टोटल स्कोर 11 ओवर के बाद 120 पर दो, 120 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स आफ्टर 11 ओवर्स। चार ओवर का खेल बाकी है, नए बल्लेबाज, न्यू बैट्समैन नेम प्लीज, अनीश। अनिकेत अभी भी वहां पर है, लेकिन अनिकेत के साथ अनीश अब आया है। अविनाश बता रहे कुछ किस तरह की गेंद थी, कहां पर टप्पा गिरी और उसके बाद देखते ही रहे, उस गेंद को अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाया था, जो गेंद की राह देख रहे थे। हालांकि पॉइंट पर अच्छा खेल रहे थे, पॉइंट, थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, और अब अनीश को हम देख रहे हैं नौ स्ट्राइक एंड पर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और नए गेंदबाज बॉलर किरण, ये रफ्तार वाले गेंदबाज है, ये रफ्तार के सौदागर है, लेकिन नहीं, वाइड का इशारा है। अमित वाघमारे, इन्होंने पूरा अपना समय लिया है और यहाँ पर मुझे याद है अमित भी हमारे साथ थे जब 2014-15 में जब ओलंपिया हुआ था, स्कोरिंग भी अच्छी करते, एक अच्छे स्कोरर के तौर पर भी, खिलाड़ी के तौर पर। अब यहाँ पर पूरी तरह से निश्चित तौर पर डीप थर्ड मैन की तरफ उस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन वाइडिश यॉर्कर था पूरी तरह से फुल लेंथ, और ये विशेषता है जब आपके पास इस तरह के गेंदबाज है जो पूरी तरह से फुल लेंथ गेंदबाजी कर सकते हैं, आगे गेंद कर सकते हैं और बल्लेबाज को ड्राइव करने पर मजबूर कर सकते हैं, तो कोई फ्लाइंग स्लिप भी नहीं। लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन है जहां पर मुकुंद जी को हम देख रहे हैं, डाउन द विकेट, अगली गेंद, अच्छा ड्राइव कवर के ऊपर से, शॉट ऑफ द आफ्टरनून, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, 6 रन, व्हाट अ शॉट। कवर पर इस तरह का स्ट्रोक खेलना, मतलब बॉटम एंड देखिए, टाइमिंग देखिए, फॉलो थ्रू, बैलेंस, एवरीथिंग इन दैट स्ट्रोक, ओवर द कवर, अनदर ब्यूटीफुल, इट्स अ मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, 6 रन। और 12वें ओवर में अब रन संख्या, टोटल स्कोर 127, 127, व्हाट अ बैटिंग, अनिकेत इज ऑन फायर। इसके पहले पार्थ की बल्लेबाजी देखी थी, अब बल्लेबाजी हम देख रहे हैं अनिकेत की, आंखों में सुकून पहुंचा रहे हैं। और एक बेहतरीन स्ट्रोक, गैप को ढूंढा, वन बाउंस, और अनिकेत का भी 50 रन पूरे हो चुके हैं, व्हाट अ इनिंग, एब्सोल्युटली वंडरफुल। He's also playing a genuine knock for their team, Goregaon Lions. And the Lions are roaring there from the ground. Absolutely wonderful batting. The earlier previous knock played by Parth. And now join the party with a beautiful stroke by left-hand batsman looking dangerous, Aniket. It's a typical Brian Charles Lara style mein. Us gen ko khele the cover par. Oh, slower one. Gati parivartan. Wicket ka patan hoga. It's a... स्लोअर वन और अपने ट्रैप में फंसाया विकेट का पतन। जैसे हमने प्रशंसा की थी, सराहना की थी खिलाड़ी की, और ऐसे लग रहा था कि लुकिंग डेंजरस दैट टाइम, दे लॉस द मोमेंटम, दे लॉस द कॉन्सेंट्रेशन, बट व्हाट अ इनिंग, एब्सोल्युटली वंडरफुल, व्हाट अ स्ट्राइक, एंड द टू स्ट्रोक्स हु प्लेड, कवर का स्ट्रोक आज के इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक था। अब अनीश, और अनीश के साथ अब देखेंगे कौन रहेंगे, भागेश, भागेश, और अब देखेंगे हम अनीश को, लेकिन भागेश जर्सी नंबर 14, 14 टाइम्स ब्रेटली आउट सचिन तेंदुलकर को 14 बार आउट किया था। और जिस तरह से अगर देखा जाए यहां पर क्रिकेट चल रहा है, एक बेहतरीन क्रिकेट, कितपासी के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ, इन्होंने भी आकर इस गेंद को खेला, जिस अंदाज से देखिए, जिस तरह की खेलने के एक अलग अंदाज, शुरुआती दौर में रमन लांबा इस तरह के खिलाड़ी थे जो एक अलग अपने रुमाल के साथ अलग बैटिंग करते थे, लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इनकी भी अलग पहचान है। आज तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, उन्मुख चंद अपने इंडिया के भूतपूर्व अंडर 19 के कप्तान, जिनके नेतृत्व में हमने वर्ल्ड कप जीता था, विराट कोहली के बाद उन्मुख चंद, अंपायर का इशारा वाइड,
लेकिन उसके बाद उन्मुख चंद ज्यादा दिखाई नहीं दे, आईपीएल में उन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले। उन्मुख चंद एक ऐसे खिलाड़ी थे, उनके पास भी वो अलग क्षमता थी, बहुत सारे कंट्री ने उन्होंने अप्रोच किया था खेलने के लिए। उन्मुख चंद अगली गेंद, और इस गेंद को खेले है अलग विद द कारपेट, एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। और किरण ने अपना काम तमाम किया है, जिस तरह के ओवर के लिए उन्हें बुलाया था, 134 और ओवर नंबर 13। अभी भी दो ओवर का खेल बाकी है, मेधनकर अब आए हैं। मेधनकर जाधव गोलंदाजी साठी आलेला आहे, अंडर 17 साठी आपण जर पाहिलं तर आता कॉलेजला आहे, पण चांगलं क्रिकेट 6वी ते 10वी एसवीआयएस गोराई, दिनेश लाड सर, राजू लाड सर जे रोहित शर्माचे प्रशिक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली चांगलं क्रिकेट खेळला। आता मात्र मेधनकर जाधव, ओ हा देखील चेंडू चकून जातो यष्टीरक्षकाला आणि फलंदाजाला, जो मात्र खेळाडू पोहोचतोय त्या ठिकाणी, विशाल मला वाटतं आहेत जे शॉट थर्डमॅनला फील्ड करत आहेत। एक धाव, पंचांचा इशारा बायच्या रूपामध्ये, आणि बायच्या रूपामध्ये स्ट्राईकला आता मात्र बॅट्समॅन भागेश येतोय, कारण नॉन स्ट्राईकला अनिश आहे। अनिश तो जर्सी नंबर आपण 29 पाहतोय, 29 इंचच आपल्या स्टम्पची उंची देखील आहे। पुढचा चेंडू, आता मात्र स्टेप आउट केलाय, मी प्रशांत केदार केदार यांना विनंती करतोय, प्रशांत केदार आपल्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये या, आणि प्रसाद परब सरांना देखील विनंती राहील, प्रशांत केदार आपण आपला लंच करून घ्यायचं आहे, प्रसाद परब सर त्याचप्रमाणे प्रशांत केदार दुपारचं लंच आपण करून घ्या। पुढचा चेंडू, आता मात्र बॅकफूट लावून आतमध्ये, बघा फास्टर पण आहे क्विकर। आपण कधी कधी पाहतो की एखादे जे गोलंदाज आपल्याला कित्येक वेळा रशीद खान त्याचप्रमाणे पियुष चावलाला पाहिलं लेग ब्रेक टाकत असताना, किंवा रवी बिश्नोई जो फ्लिपर देखील टाकतो स्ट्रेट सरळ निघून जातो टर्न करताना, याच्याकडे देखील एक वेगळी क्षमता आहे। आता मात्र छान खेळून काढलेला आहे, कोणती संधी नाही, अप्रतिम फटका, नेत्रदीपक सुख धक्का डोळ्यांना, आणि खरोखरच अप्रतिम सुंदर चौकार। धावसंख्या या 4 धावांनी एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 141, 141 14वं षटक मार्गस्थ आहे, 150 आपण 13वी ओव्हर चालू आहे, नॉट 14, इट्स अ 13th ओव्हर इन प्रोग्रेस, 141ला 3 आहेत। गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय, आता मात्र पुन्हा एकदा सुपला, तर पंचांचा इशारा येते वाईड, नॉट एक्झॅक्टली द सुपला। यावर्षी आपण T20च्या वर्ल्ड कपमध्ये सूर्यकुमार यादव को हमने देखा था, जिस अंदाज से उन्होंने बॅटिंग केली अगेन्स्ट झिम्बाब्वे, कहां से कहां पर गेंद को खेले थे, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की गेंद को फाइन लेग और डीप लॉन्ग लेग पर छक्का जड़ दिया था, और एक रन के साथ अब रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 143। 13वीं ओवर की आखिरी गेंद, 143/3 अगली गेंद, आगे निकल कर आया है खिलाड़ी वहां पर है, लेकिन गेंद से मार के बाहर, 4 रन और एक बेहतरीन चौका, मिसफील्डिंग उसका खामियाजा भुगतना पड़ता हुआ, रन संख्या 147, 3 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 13 ओवर्स, 147/3, 147/3 आफ्टर 13 ओवर्स। ओव्हर नंतर 147/3, चला लवकर स्पीडअप करा, मी अमित वाघमारे सरांना देखील विनंती करतोय आणि अविनाश सरांना देखील की थोडं लवकर करायचं आहे, वेळेचं आपल्याला थोडंसं कॅल्क्युलेशन करावं लागणार आहे, कारण जो टाईम पाहिला 12:39, 1 तास होऊन गेलेला आहे। किरण, ओ व्हॉट अ शॉट, स्टँड अँड डिलिव्हर, अप्रतिम सुंदर, बघा शब्द जो आला प्रेक्षकांमधून, क्या बात आहे, हाच शब्द आवश्यक आहे। बागेशने ज्या पद्धतीने चेंडूच्या रीच पर्यंत पोहोचला आणि तिथून चेंडू खेळले, या पद्धतीने हर्षल गिव्सला आपण कित्येक वेळा पाहिलंय,
त्यानंतर जॅक 40 ला देखील पाहिलं बॅकफुटला जाऊन जे ताकद आपण पॉइंटला किंवा कव्हरला खेळताना पाहतो कव्हरच्या वरून षटकार. आता मात्र स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड या ठिकाणी बॅट्समन नॉन स्ट्रायकरचा होता त्यानंतर बॉलरला अडथळे 2-3 पार करत गेला आणि एका धावीने धाव संख्या आता मात्र पुढे सरकते एकूण 150-60 आपण एक भाकीत केलं होतं एक भविष्यवाणी केली होती एक प्रोजेक्टेड स्कोर 154-3 स्लोवर वन गती परिवर्तन मात्र खेळाडू त्या ठिकाणी आहे चकून जातोय एवढी घाई बरी नाही मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक मात्र अतिघाई संकटाला आमंत्रण देई आणि चेंडू सीमापार चौकार आणि या चार धावांनी धाव संख्या 158 3 गडी बाद 14वे षटक मार्गस्थ या 14व्या षटकामध्ये आपण पाहतोय गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतो राईट अमोर द विकेट षटकातील पुढचा चेंडू आणि आता मात्र सेअर करतोय हा देखील चेंडू सीमापार अनदर बाउंड्री चौकारांची सुरुवात आहे बरसात अप्रतिम ठिकाणी बॅटिंग सुरू आहे या अगोदर देखील आपण पाहतोय ज्या धावा होत होत्या नव्हत्या होत थोडंसं असं वाटलं होतं चाप लावेल मात्र किरणच्या देखील गोलंदाजीवर आता भागेश आणि अनिश तुटून पडलेले आहेत इन द स्लॉग ओव्हर्स दे ऑल्सो प्लेड अ जेन्युइन क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स 162/3 दोन चेंडू शिल्लक आहेत 14व्या षटकातील गुड स्ट्रोक आता मात्र चेंडू थांबवलेला आहे स्टॉप केलेला आहे कारण या अगोदर आपण पाहिलं त्या क्षेत्रामध्ये देखील छान अशा धावसंख्या झालेल्या आहेत मिसफिल्डिंगच्या माध्यमातून देखील आपण पाहिलं रन्स आलेले आहेत ज्या बाउंड्रीज विशेषतः चौकारामध्ये रूपांतरित झालेल्या आहेत आणि त्याचं देखील एक मोठं आव्हान या ठिकाणी असणार आहे 163-3 स्लोवर वन ऑन साईडला खेळलेत मात्र तितकी ताकद नव्हती अगोदरच मोठा फटका खेळायला गेले आणि आता मात्र थ्रो येईपर्यंत 2 धावा पूर्ण खूप सुंदर अशी रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांची अनिशने कॉल दिला होता आणि त्याला पोचायचं होतं नॉन स्ट्रायकर एंडला सुरक्षित पोचतोय या 2 धावांनी धाव संख्या 165 14 ओव्हरनंतर 3 गडी बाद अपेक्षा होती 150-155-160 नंतर आत्ता जेवढ्या प्लस होणार आहेत त्या निर्णायक आत्तापर्यंत मेव्हरिक स्ट्रायकर्स या संघाने या स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक धाव संख्या 172 केलेल्या आहेत आणि आता गोरेगाव लायन्स हा उच्चांक पूर्ण करणार का ही मात्र उत्सुकता आहे आणि सर्वाधिक धावसंख्या त्यांच्या नावावर होणार का हे मात्र पाहणं गरजेचं राहील क्लीन सिटी एनकडून प्रतीक गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय प्रतीक आहे का प्रतीक 165-3 इन द लास्ट वन वन्स अगेन फ्रॉम द फिल्म सिटी एंड प्रतीक सावंत प्रतीकचा पहिला चेंडू आणि पहिला चेंडू बॅकवर्ड पॉइंटला खेळाडू आहे डीपला एकच धाव या एका धावीने धाव संख्या 166 बघूया अजून जर 5 किंवा 6 धावा जास्त निघाल्या 5 बॉलमध्ये तर नक्कीच या स्पर्धेतील सर्वाधिक धाव संख्या गोरेगाव लाईन सुरुवात थोडीशी आपण अडखळत पाहिली सुरुवातीच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये 5 त्यानंतर बऱ्यापैकी मोमेंटम तयार केला उभा राहिला पार्थ कारण पार्थला कल्पना होती माझ्याकडे ती क्षमता आहे त्याने ते सिद्ध करून दाखवलं उभा राहिला खूप छान खेळ केला आणि एक चांगली पार्टनरशिप आता मात्र अगोदरच प्री प्लॅन स्ट्रोक होता बॉलचा टप्पा पडण्याच्या अगोदरच तयारीत होता अगोदरच फ्री लायसन दिलं होतं गोलंदाजाला बॅट्समनने की मी या ठिकाणी हा पवित्रा घेतलेला आहे जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो अपने इरादे नहीं इरादा वही होना चाहिए अब आखिरी कुछ गेंदे बची हुई है आणि आता मात्र इरादा स्पष्ट केला आणि या चेंडूला देखील पाठवले 7 धावांसाठी उत्तुंग षटकार स्वागसिप ज्या प्रकारे बॅटिंग करतोय भागेश या अगोदरचे 2 चांगले मिडल होऊ शकले नाही त्यानंतर कव्हरला एक छान पाहिला आता आपण काऊ कॉर्नरच्या दिशेने मारलेला फटका पाहिला 172-3 अजूनही 3 बॉल बाकी आहेत या 3 बॉलमध्ये आत्तापर्यंत 7 धावा निघाल्यात आणि 185 होणार ही मात्र या ठिकाणी आता उत्सुकता राहील कारण ज्या प्रकारची बॅटिंग करतो हार्ड हिटर आहे निसर्गरम्य असं हे मैदान आरे भास्करचं आणि हा देखील नाही या ठिकाणी सुपा जेल होणार खेळाडू बाद गॉन 2 बॉल अजूनही बाकी आहेत आणि या 2 बॉलमध्ये किती धावा होणार कारण नवीन बॅट्समन स्ट्राईकला येणार आहे
173 म्हणजे या स्पर्धेचा सर्वाधिक धाव संख्या तर झालेली आहे. प्रशांत उर्वरित दोन बॉल बाकी आहेत. प्रशांत केदार त्याचप्रमाणे अमित वाघमारे अविनाश बांगर हे तीन असे आपल्याला सामनाधिकारी ऑफिशियल्स पाहायला मिळत आहेत. आमच्यावर दिनेश म्हात्रे सर मॅनेजमेंट टीम विथ ऑनलाईन स्कोरिंग अलॉंग विथ योगेंद्र एस एस स्पोर्ट्सचे वैभव दोंदे कॅमेरामॅन आयुष यांना देखील आपण पाहत आहोत. कॅमेरामॅन आयुष यांना देखील विनंती करतोय. राईट साईडला कॉमेंट्री बॉक्सच्या आयुष जे खेळाडूंचं डगआउट आहे त्या ठिकाणी देखील आपण एखाद्या बाउंड्री गेल्यानंतर थोडंसं कॅमेरा घेऊन जा जेणेकरून त्या ठिकाणी देखील सर्व प्रेक्षक आणि खेळाडू एन्जॉय करतात क्रिकेट. आर्य भास्कर प्रीमियर लीग आजचा दिवस अंतिम दिवस आणि या दुसऱ्या दिवसातील आपण पाहिलं शेवटच्या अंतिम दिवसातील जो सामना सुरू आहे. आत्ता एक अजून एक संधी मिळणार का? खेळाडू त्या ठिकाणी येतोय. नाही, मात्र एक धाव आणि दुसरी धाव चांगला ट्रॅव्हल होतोय. चेंडू चौकार 73 आणि 4 77 177 एक वेगळी धाव संख्या ज्या धाव संख्येने सुरुवात केली होती. आपण जर पाहिलं तर दोन असे खेळाडू होते ज्यांनी धाव संख्या मोठी केली होती. एक म्हणजे पदार्पणातच रोहित शर्माने मारलेल्या धाव संख्या आणि पदार्पणातच पंजाबमध्ये आपण पाहिलेलं जबरदस्त सुरुवात शिखर धवनने केली होती. सर्वांना असं वाटलं होतं 200 होतील, त्यानंतर 250 होतील, मात्र या ठिकाणी धाव संख्या 176 आहे. 172 नंतर या चार धावा आलेल्या आहेत आणि आता संधी आहे किरणच्या हातामध्ये. नाही, या ठिकाणी झेल सुटलेला आहे. कॅच छुटा सपना टूटा मुकद्दर उठा दिल टूटा. क्या मॅच छुटेगा हौसला टूटेगा बहुत कुछ संभव लेकिन यहां पर एक रन नहीं दो रन तो 178 रन संख्या बनी है 15 ओवर में. इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर गोरेगांव लायन्स टीम के नाम पर और जिस तरह की बैटिंग की थी एक अच्छी पार्टनरशिप सुधांशु आउट होने के बाद जिस तरह से उस पार्टनरशिप में हमने देखा था पार्थ और जो बल्लेबाज अनिकेत उसके बाद भागेश्वर अनीश जिन्होंने बेहतरीन अंजाम तक पहुंचा है. 178 अब जीतने के लिए 179 टू विन. विल टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड कम बैक विद द सेकेंड इनिंग. किस तरह से यहां पर 179 रन बनेंगे क्या होगा क्या नहीं ये आंखों देखा हाल सुनाने के लिए फिर एक बार हमारे माइक्रोफोन पर हमारे आदरणीय प्रसाद परब सर को सुनेंगे. लेकिन तब तक के लिए आप छोटा सा ब्रेक लीजिए कहीं मत जाइएगा वापस आना. धन्यवाद. थैंक यू.
समझ इतना।